मैं हूं आपके साथ शिवम स्वामी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे नशे के आदी हैं। इस टिप्पणी का आपत्तिजनक करार देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा थाना पिथौरा में FIR करने की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेसियों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस बयान से कांग्रेस पार्टी का अपमान हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने राहुल गांधी जी को जो है एक ऐसे तथ्य, ऐसे विषैले पदार्थ का नशा करने के लिए कहा है जिसमें उन्होंने कोकीन जैसे प्रतिबंधित जो नशीली दवाई है उसका आदि है, ऐसा कहा है, जो कि हम सभी निंदा करते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी एक प्रतिष्ठित बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी। उनको इस तरीके का स्टेटमेंट या वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए। और थाना में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता है, कार्यकर्ता है सुब्रमण्यम स्वामी जी, सांसद भी हैं वो, उनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी नशे के पदार्थ कोकीन के लिए किया गया है, तो उसको लेकर आज हम पूरे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पिथौरा थाने में FIR की मांग की गई है। FIR आवेदन दिया गया है थाना प्रभारी पिथौरा को। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम वो कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के संबंध में नशा करते हैं, ऐसा करके कुछ टिप्पणी किए हैं। पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, जो कि पेपर खतरन में हैं और TV वगैरह के माध्यम से हमको कांग्रेस लोगों को जानकारी मिली। तो ज्ञापन सौंपने के लिए सचिव और जिला के नेतृत्व में लगभग 15 से 20 कांग्रेस के